Hello friends, welcome to my channel Kalpana's Diary. Today is 24th of April and today I am going to make a review video about the Recliner chair I ordered from Amazon. और ये बहुत ही कंफर्टेबल और फ्लेक्सिबल आर्म चेयर है और ये मुझे करीब करीब 15 डेज में डिलीवर हो गया जब मैंने इसको ऑर्डर किया था अमेज़ॉन में और ये सीओडी कैश ऑन डिलीवरी था इसका. मैं ये पूरा आपको इंस्टॉलेशन खैर उसमें करना नहीं था, वो तो इंस्टॉल्ड आया था. पैकिंग उसकी बहुत अच्छी थी. एवरीथिंग आई विल बी शोइंग इन दिस वीडियो हाउ आई गॉट द पैकेज एंड हाउ आई ओपन्ड इट एंड एवरीथिंग. तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं. एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियो डोंट फॉरगेट टू डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द लाइक बटन एंड प्लीज़ डू कमेंट इफ़ यू वॉन्ट टू गिव मी एनी सॉर्ट ऑफ सजेशन एंड ऑल. सो विदाउट वेस्टिंग फर्दर एनी मोर टाइम लेट्स जस्ट जंप ओवर टू. सो फ्रेंड्स, दिस इज द बॉक्स विच आई गॉट फ्रॉम अमेजोन. इसकी पैकिंग बहुत ही अच्छे तरीके से की गई थी. पूरा जो कार्ट का था बॉक्स, उसको प्लास्टिक से ओवरऑल कवरिंग उसकी थी, जिससे कि अगर वो बारिश वगैरह में भी अगर भीग जाए या कुछ हो जाए तो पेनिट्रेट ना करे पानी अंदर. और ये फरले का रिक्लाइनर चेयर है. आई गेस मैं इसको प्रोनाउंस ठीक से कर रही हूँ. ये FURLAY फरले जो ब्रांड है उसका नाम है. और इसमें सीओडी था, ये बेस्ट था क्योंकि मैक्सिमम मतलब जो चीज़ें जो इस तरह की फर्नीचर की चीज़ें हैं अभी सीओडी उसकी अवेलेबल नहीं है. लेकिन अभी ये कुछ मुझे लगता है लास्ट 2 वीक से ही इन्होंने सीओडी भी अब अवेलेबल कराया है, जिससे कि मतलब परचेजिंग थोड़ी ईजी हो जाती है. और ये मैं अब इसको अनबॉक्सिंग कर रही हूँ. इसका पूरा जो प्लास्टिक का कवर था पहले मैंने उसको निकाला और ये कट करके मैं निकाल रही हूँ इसको. दिस इज फरले रिक्लाइनर. खैर मैंने तो जब ये वीडियो बनाया है उस समय तो मुझे नहीं इतना आइडिया था कि ये कितना कंफर्टेबल होगा, लेकिन अभी जब मैंने यूज़ कर लिया है तो आई फील वेरी कंफर्टेबल यूजिंग इट. बहुत ही आरामदेह चेयर है ये. और अगर आप लोग ऐसा कोई चेयर अपने लिए सोच रहे हो तो आई स्पेशली रिकमेंड कि आप इसे लीजिए ज़रूर, क्योंकि जितना इसका कॉस्ट है अकॉर्डिंग टू दैट ये कम्फर्टेबल बहुत है. इसको आप जब आप इस पर बैठेंगे देन ओनली यू विल रियलाइज कि हाउ मच कंफर्ट यू आर गेटिंग फ्रॉम द चेयर, जो सपोर्ट मिल रहा है. और किसी को अगर बैक पेन है तो उसके लिए तो ये बहुत ही अच्छा है, क्योंकि ऑर्थोपेडिक सपोर्ट जो होता है वो मतलब इस रिक्लाइनर में है. इसका जो शेप है उसमें आपको बहुत कंफर्टेबल, जब आप उसको एक तो उसका पोजीशन आप बहुत 3 to 6 है पोजीशन जिसमें आप इसको सेट कर सकते हैं. तो ये देखिए मैं अकेले ही इसको खींच कर निकाल रही हूँ, इसलिए थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है क्योंकि ये पूरा अच्छे से पैक करके आया था. और ये चेयर फोल्डेबल है तो आप इसको कहीं पे भी इजीली रख सकते हैं कि इसको आपने फोल्ड किया जब आप यूज़ नहीं कर रहे हैं, आप फोल्ड करके इसको कहीं पर भी रख सकते हैं. ये आपका स्पेस भी नहीं कवर करेगा. ये देखिए इसको बेल्ट से इन्होंने बांध रखा है, जिससे क्योंकि अगर बेल्ट खोलते ही वो थोड़ा सा स्ट्रेच हो जाएगा, वो ओपन हो जाएगा. ये मैंने इसको खोला है और एट प्रेजेंट मुझे थोड़ा सा मुश्किल हुआ उसको समझने के लिए कि ये एक्चुअली ये होगा कैसे. लेकिन इसका इतना इजी मतलब इसका डेमोंस्ट्रेशन इतना इजी था कि मतलब मुझे समझ में आ गया तुरंत ही कि इसको किस तरह से सेट करना है. इसमें कई जगह पे बांधे हुए थे धागे जिसे हमें खोलना था, क्योंकि अगर वो बंधा हुआ नहीं होता तो मतलब इस खुल जाता मतलब तुरंत. और ये उतना ड्यूरेबिलिटी इसकी नहीं रहती लाने के समय. इन लोग ने जो कुरियर किया था उसमें इसको अच्छे से सेफली यहाँ तक पहुँच जाए, इसलिए इन्होंने अच्छे से उसको बांध कर फिर इसको सेंड किया था पार्सल. ये सारे मैंने हम लोगों ने खोल दिए. इसका बेस्ट चीज़ क्या है कि इसको एडजस्ट करने के लिए आपको जो आपका आर्म्स है उसको आपको थोड़ा सा खींचना पड़ता है. ये देखिए इस आर्म्स को अगर आप खींचेंगे और फिर आप अपने बैक को थोड़ा सा पुश करेंगे तो ये पीछे चला जाएगा.
इसका जो रेस्ट है यहाँ देखिए वो पीछे चला जाएगा। फिर अगर आपको एडजस्ट करना है तो फिर से आपको बैक को अपने बैक को पीछे करेंगे और अपने आर्म्स को थोड़ा सा आगे खींचेंगे तो वो मतलब इसका सारा जो एडजस्टमेंट है वो आपके हैंड में है, उसी से वो आपको जब खींचेंगे तो वो पीछे जाएगा। और अगर आपको इसको फिर से वापस बैक टू पोजिशन वन करना है तो आप अपने पैर को सिर्फ नीचे आपको पैर को दबाना है तो वो फिर से पीछे वाला जो रेस्ट है वो आगे आ जाएगा। इट्स रियली वेरी गुड, वेरी कम्फर्टेबल एंड आई सजेस्ट कि अगर आप ऐसा कुछ लेना चाहते हैं तो यू कैन जस्ट गो फॉर इट। ये वैल्यू टू प्राइस है। ये देखिए मैंने पैर को जैसे ही नीचे उसको किया वैसे ही वो बैक टू पोजिशन वन आ गया और आर्म्स को खींचते ही ये पीछे स्ट्रेच हो जा रहा है। इट्स क्वाइट वेरी इजी टू मतलब यूज करने में बहुत ईजी है, वो थोड़ा देखने में लग रहा होगा लेकिन जब आप यूज। So friends, at the end, I would like to share few points with you all. This recliner comes with the molded cushion that provides a orthopedic support. It's very easy to carry and it is adjustable to 6 different position. It comes with 2 years warranty and its backrest and leg rest angles are adjusted together. Aur iski MRP hai 5,999 and it comes in 4 different colors, red, blue, कॉफी बीन एंड ब्राउन। मैंने तो कॉफी बीन कलर लिया है जो कि बहुत ही अच्छा है। एंड अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द लाइक बटन। और प्लीज कमेंट कीजिएगा अगर आपका कोई भी सजेशन है मेरे लिए कि अगर मैं किस तरह का वीडियो बना रही हूँ, अगर आपको कोई भी सजेशन देना है यू आर ऑल फ्री टू डू दैट। सो फ्रेंड्स सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल दैट टाइम डू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड बी गुड।